ये खुला हुआ था ना, खुला नहीं रहता तो कुछ और बच्चे बैठे पता इधर फिर भी हाथ पे आए ये कौन है माता जी को बच्चे ये ग्रैंड है नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, रोड्स पर चलते समय कभी कभी कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसमें ना गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी सेफ रख पाती है और ना ही कोई सेफ्टी फीचर्स काम आते हैं। ये ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिसमें अगर ड्राइवर की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है तभी वो सेफली बच पाएगा। ये क्रैश बैरियर से होने वाले एक्सीडेंट्स आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। क्रैश बैरियर्स हाईवेज पर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कोई गाड़ी अगर अनकंट्रोल हो तो इसमें लड़कर वो रुक जाए, ऑपोजिट लेन में ना जाए या फिर रोड से नीचे ना गिरे, जैसा इस वीडियो में दिख रहा है। हालांकि आप सभी ने यह भी देखा होगा कि जहां से क्रैश बैरियर की स्टार्टिंग होती है या रोड पर बीच में कट वगैरह पड़ता है वहां बैरियर खुला होता है और जब यहां कोई गाड़ी लड़ती है तो उस समय सिचुएशन बिल्कुल ही वर्स्ट हो जाता है और ऐसा ही आपको आज भी देखने को मिलेगा। पहला एक्सीडेंट मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट का है जो उत्तर प्रदेश से मिस्टर प्रवीण वर्मा ने शेयर किया था। यह एक्सीडेंट कुछ महीनों पहले ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुआ था और इसमें बताया जा रहा कि किसी व्हीकल को ओवरटेक करते समय एसयूवी अनकंट्रोल हो गई और रोड के बीच में लगे क्रैश बैरियर में घुसते हुए चली गई। गाड़ी की रफ्तार यहाँ पर एग्जैक्ट कितनी थी वो तो नहीं पता, लेकिन जैसा कि ये एक्सप्रेसवे है तो जाहिर सी बात है एसयूवी ठीक ठाक स्पीड में रही होगी और व्हीकल को ओवरटेक करते समय शायद ड्राइवर जज नहीं कर पाए होंगे या फिर हो सकता है सामने वाले की कोई गलती रही हो। खैर जो भी हो, टक्कर काफी भयानक था जिसमें ब्रेजा का हाल बुरा हो गया। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे बैरियर इसके फ्रंट को फाड़ते हुए अंदर घुसा है जिसके इम्पैक्ट से बोनेट बम्पर और विंडशील्ड वगैरह डैमेज हो गया है और यह कैबिन से डैशबोर्ड और स्टेयरिंग व्हील को डैमेज करते हुए पैसेंजर साइड डोर को तोड़कर बाहर निकल आया है। यहाँ पर आप गाड़ी का एयरबैग खुला हुआ देख सकते हैं, लेकिन ये एयरबैग इस एक्सीडेंट में बिल्कुल भी काम नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली इसमें ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो भाई, इस तरह के सिचुएशन में बच पाना बहुत मुश्किल होता है। बैरियर सीधा ड्राइवर सीट से होते हुए गया है जिससे पता चल रहा है कि ड्राइवर इसकी चपेट में आराम से आ गए होंगे। दूसरा एक्सीडेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है जिसे गुजरात से मिस्टर रिजवान ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली गुजरात के अहमदाबाद में बीएमडब्ल्यू सेडान का हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बीएमडब्ल्यू अडालज ब्रिज के पास से होते हुए जा रही थी तभी एक जगह पर इसके ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से खो गया और सेडान रोड के साइड में लगे क्रैश बैरियर में घुसते हुए चली गई। यहाँ पर भी गाड़ी की रफ्तार क्या थी वो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा कि इसे काफी तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था, करीब 150 किलोमीटर पर आर के आसपास। हालांकि इस चीज को दावे के साथ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी तेज तो रही होगी क्योंकि एक तो ये बीएमडब्ल्यू है, ऊपर से फोर लेन वाली रोड। इसके अलावा इस चीज का अंदाजा डैमेज को देखकर भी आप साफ लगा सकते हैं। सेडान क्रैश बैरियर में घुसते हुए आगे तक चली आई है जिससे इसका फ्रंट बोनेट बम्पर हेडलाइट फेंडर और इंजन वगैरह के साथ काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। इसके अलावा बैरियर ने पूरे कार के कैबिन को तहस नहस कर दिया है। यह आगे से घुसा है और कैबिन को फाड़ते हुए पीछे से निकला है और पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं इसका टेलगेट, टेल लाइट और बम्पर में नुकसान आ गया है। बात करें पैसेंजर्स की तो न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक किसी की इस एक्सीडेंट में सीरियस इंजरीज आने की कोई खबर नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हो सकता है ड्राइवर गाड़ी में अकेला रहा हो इसलिए उनको कुछ ना हुआ हो, क्योंकि पूरा इम्पैक्ट को ड्राइवर साइड में पड़ा है। तो भाई, इन दोनों ही एक्सीडेंट्स में आप देख सकते हैं गाड़ियां मजबूत हैं, सेफ्टी फीचर्स से लोडेड हैं, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में कुछ भी काम नहीं आया है। यहां आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड स्पीड ड्राइविंग और फोकस्ड ड्राइविंग ही बचा सकती है। आपकी गाड़ी की स्पीड अगर रोड लिमिट के हिसाब से होगी तो इससे लड़ने के बाद भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बैरियर से जहां से स्टार्ट होते हैं उनको खुला छोड़ने के बजाय या तो कोई प्लेन चीज लगाकर बंद कर दें या फिर इसे मोड़ दें जिससे ऐसा खतरनाक सिचुएशन ना क्रिएट हो। बाकी आप सभी का इन दोनों एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।